ये कहानी है ममता की, जो अपने परिवार के साथ मुंबई की एक गरीब बस्ती में रहती थी। उसके परिवार में उसका पति रमेश, दो छोटी बच्चियां और उसकी सास बिमला थी। रमेश एक बावर्ची था जो शादी जैसे समारोह में खाना बनाने का काम करता था। आमदनी बहुत अच्छी नहीं थी, इस काम में ममता भी उसका हाथ बटाती थी, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। दूसरी तरफ ममता की सास उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि रमेश ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर ममता से शादी चुकी थी। इसके अलावा बिमला को एक पोता चाहिए था और इसीलिए वो अपनी दोनों पोतियों से भी प्यार नहीं करती थी। एक दिन रमेश और बिमला खाना खाने बैठे तो पहला निवाला चखते ही बिमला अचानक से नाराज हो गई और गुस्से से बोली, छी, ये क्या उबाल के रख दिया, कोई स्वाद ही नहीं इसमें। रमेश, तू तो कह रहा था कि ये महारानी तेरे काम में तेरी मदद करती है, ऐसे करती है मदद? अरे ऐसा खाना खिलाएगा लोगों को तो हमारी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। माँ बस भी करो, क्यों इतना भड़क रही हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने ही ममता को सादी खिचड़ी बनाने को बोला था। माँ जी आप नाराज मत होइए, मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। बनाना था तो पहले ही बना देती, अब क्या बनाएगी। इतने में ममता की दोनों बेटियां बाहर से आ जाती हैं। बाहर जोर की बारिश हो रही थी, दोनों बच्चियां पूरी तरह से भीगी हुई थी। वो खुद को झटक कर पानी सुखाने की कोशिश करती हैं तो पानी के कुछ छींटे बिमला पर पड़ जाते हैं। अब तो बिमला का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से से अपनी बड़ी पोती पिंकी का कान पकड़ती है और कहती है, क्यों तू अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता, मुझ पर पानी क्यों डाला तूने? रमेश तुरंत ही खाना छोड़कर अपनी माँ को रोकता है और गुस्से से कहता है, माँ ये क्या कर रही हो, बच्ची तो है और पानी के कुछ छींटे ही तो पड़े हैं तुम पर, इतना क्यों बिगड़ रही हो? इसलिए बिगड़ रही हूँ क्योंकि ना तो मुझे तेरी घरवाली पसंद है और ना ही ये दोनों। अरे तू बिना मर्जी के इसे ब्याह लाया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, एक पोते की उम्मीद लगाई वो भी पूरी नहीं हुई, और ऊपर से तू भी हमेशा इन्हीं की तरफदारी में लगा रहता है, ना जाने कौन सा जादू कर दिया है इस कर्मचली ने तुझ पर। माँ तुम भी ना हद करती हो माँ। इतना कहकर रमेश घर से बाहर चला जाता है। उसके घर में इस तरह की कहा सुनी रोज की बात हो गई थी। बिमला किसी न किसी बात पर ममता और उसकी बच्चियों को खरी खोटी सुनाती। ममता को भी उसका व्यवहार बुरा लगता था पर वो कभी शिकायत नहीं करती थी, लेकिन रमेश को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो उदास होकर एक जगह बैठ गया। जोरदार बारिश हो रही थी। रमेश अपनी सोच में डूबा हुआ था, तभी उसने महसूस किया वो जिस जगह बैठा था वहां बारिश का पानी भरने लगा। उसने इधर उधर नजर घुमाई तो देखा कि धीरे धीरे लोगों के घरों में भी पानी जा रहा था। वो हड़बड़ी में उठा और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया एक पत्थर से टकरा कर गिर गया। उसके सिर पर गहरी चोट आई थी जिससे वो बेहोश हो गया। पूरी बस्ती में बारिश के पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। किसी का ध्यान रमेश पर नहीं गया। कुछ ही मिनटों में वो बाढ़ के पानी में डूब गया और बेहोशी में ही इस दुनिया को अलविदा कह गया। कई घंटों तक जब रमेश घर नहीं लौटा तो ममता को उसकी चिंता हुई। वो अपनी सास से बोली, माँ जी मैं जरा इन्हें देख कर आती हूँ, आप पिंकी और सोनी का ध्यान रखिएगा। बिमला ममता की बात का कोई जवाब नहीं देती। ममता अपनी बच्चियों को घर में रहने की बात समझा कर रमेश को ढूंढने निकल गई। पूरी बस्ती में पानी भरा हुआ था। कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी उसे रमेश कहीं नहीं मिला। वो निराश होकर घर लौट आई। अगले दिन जब बारिश के साथ साथ पानी का स्तर भी कुछ कम हुआ तो आसपास के लोगों ने रमेश की लाश को देखा और ममता को जाकर बताया। ये सुनकर ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। वो दौड़कर रमेश की लाश के पास गई और उससे लिपटकर रोने लगी। बिमला के लिए भी ये दुख बहुत बड़ा था। रमेश उसका इकलौता बेटा था जो अब इस दुनिया में नहीं था। वो रमेश की मौत के लिए भी अब ममता को ही जिम्मेदार मानने लगी। ममता वैसे ही रमेश के जाने के गम में डूबी थी। ऊपर से अब विमला को समझाने और चुप कराने वाला भी कोई नहीं था, और तो और अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी भी ममता पर ही आ गई थी। ममता ने किसी तरह खुद को संभाला और अपने घर के पास ही एक ढाबा चलाने लगी। वो किसी तरह सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी पर बिमला के ताने उसे झकझोर देते थे। एक दिन जब ममता अपने ढाबे में खाना बना रही थी, कई मजदूर वहां खाना खा रहे थे तो उनके सामने ही बिमला जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, मेरे रमेश को तो तूने मुझसे छीन लिया, अब मुझे भी उठा ले, अब मेरा कोई नहीं इस दुनिया में,
मैं किसके सहारे जीव भगवान। ये सब देखकर ममता बिमला को चुप कराने की कोशिश करती है और उससे कहती है, नहीं माँ जी ऐसा मत कहिए, हम हैं ना आपके साथ, चलिए अंदर चलिए। हट यहाँ से, मेरे पास भी मत आना तू, मेरे बच्चे को खा गई और अब ये तमाशा लगा के बैठी है, ढाबा चलाएगी। अरे वो तो मेरा बेटा था जिसके दम पर तू ऐश कर रही थी, अब तुझे पता चलेगा आटे दाल का मोल। लेकिन तेरा क्या है, तुझे कोई शर्म थोड़ी है। इतना कहकर बिमला वहाँ से चली जाती है। ममता को बहुत बुरा लग रहा था, वो कुछ भी करके बिमला की सोच नहीं बदल पा रही थी। लोग ये सब देखकर उस पर हंस रहे थे। इतने में ही ममता की पड़ोसन राधा वहाँ आती है, उसने बिमला की सारी बातें सुन ली थी। ममता उसे देखकर अपने आंसू पोंछती है और कहती है, अरे राधा दीदी आप कुछ लेने आई हैं, बताइए क्या पैक कर दूं। नहीं ममता, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, तभी तेरी सास को तुझ पर भड़कते देखा तो रुक गई। एक बात बता, तू क्यों ढो रही है उस बुढ़िया को, वो कभी तुझसे ठीक से बात नहीं करती, तो फिर तू क्यों। नहीं दीदी नहीं, उनके बारे में ऐसा मत बोलिए, वो जैसी भी है मेरी माँ जैसी है, और इनके जाने के बाद वो मेरी जिम्मेदारी है। दुख तो इस बात का है कि ममता अपनी बात पूरी नहीं कर पाती, वो जोर जोर से रोने लगती है। राधा उसे संभालती है और उससे कहती है, क्या हुआ ममता, क्या बात है। दीदी मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं ये बात इन्हें बता नहीं वाली थी कि वो बारिश सब तबाह कर दिया उस बारिश ने दीदी। राधा ममता को गले लगा लेती है और उससे कहती है, ममता तू माँ बनने वाली है और फिर भी ढाबे में इतनी मेहनत करती है, तेरी सास को ये बात पता है। हाँ दीदी मैंने उन्हें बता दिया था। अच्छा और फिर भी, खैर छोड़िए सब, देख इस हालत में तुझे इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। दीदी मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, पिंकी और सोनी इतनी छोटी हैं फिर भी हर वक्त मेरे साथ लगी रहती है, और माँ जी को तो आप जानते ही हो, अगर मैं ये ढाबा ना चलाऊं तो घर कैसे चलेगा मेरा। बात तो तेरी ठीक है, चल तू फिक्र मत कर, कल से अपने घर के काम निपटा कर मैं आ जाया करूंगी तेरी मदद के लिए, ठीक है। अरे दीदी आप लेकिन, कुछ मत बोल, बस अपना ख्याल रख, मैं कल आती हूँ। राधा अपने घर चली जाती है। ममता को राधा की बात सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है। शाम हो चुकी थी और मौसम फिर से खराब होने लगा था। ये देखकर ममता अपनी बड़ी बेटी पिंकी से कहती है, पिंकी सुन बेटा मौसम बिगड़ रहा है, बारिश का कुछ पता नहीं, ऐसा करते हैं बड़े बड़े बर्तन साथ ले चलते हैं, अगर पानी में बह गए तो ढाबा चलाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है माँ। पिंकी और ममता सारे बड़े बड़े भगोने और दूसरे बर्तन अपने साथ घर ले जाते हैं। जैसा कि ममता ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश पहले से भी ज्यादा हो रही थी। अगले दिन और फिर उसके अगले दिन बारिश लगातार होती रही, पूरी बस्ती बाढ़ में डूबने लगी। ममता का ढाबा पूरी तरह बर्बाद हो गया और उसके घर में भी हर तरफ पानी भर गया था। वो अपनी दोनों बेटियों के साथ बिस्तर पर चढ़कर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान कुछ तो दया करो, मेरे पति को तो पहले इस बारिश ने मुझसे छीन लिया, अब मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं, और माँ जी वो भी न जाने कहाँ है, हे भगवान मेरी कोख में जो नन्ही सी जान है उसका क्या होगा। उधर ममता की सास बिमला भी अपनी जान बचाने के लिए घर के बाहर ही एक पेड़ पर चढ़ी बैठी थी, तभी अचानक वहाँ सुरक्षा दलों के कुछ जवान नाव लेकर पहुँचे। उन्हें देखते ही बिमला जोर जोर से चिल्लाने लगी, ओ बेटा ओ बचा लो रे बेटा बचा लो मुझे। बिमला की आवाज सुनकर जवान उसे पेड़ से नीचे उतारते हैं और नाव में सुरक्षित बिठा लेते हैं। एक जवान उससे कहता है, माँ जी हम पूरी बस्ती में घूम चुके हैं, आप बताओ यहाँ आसपास कोई और तो नहीं जिसे मदद की जरूरत हो। बिमला जानती थी कि ममता और उसकी दोनों बच्चियाँ घर के अंदर हैं, फिर भी वो ये बात सुरक्षा दल को नहीं बताती। वो कहती है, नहीं बेटा बस मैं ही अकेली मरने का इंतजार कर रही थी यहाँ, वो तो अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए, भगवान भला करे तुम्हारा। सुरक्षा दल के जवान नाव लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर ममता ने घर की खिड़की से बिमला और सुरक्षा दल को देख लिया था। उसने कई बार मदद के लिए आवाज लगाई लेकिन बारिश की वजह से उसे किसी ने नहीं सुना। उसने बिमला को उनके साथ जाते देख लिया था। वो समझ गई थी कि बिमला ने उसे और उसकी बच्चियों को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर सोचकर उसने ढाबे से लाया हुआ सबसे बड़ा भगोना लिया
और उसमें अपनी बच्चियों के साथ बैठ गए और एक बड़ी करछी को चप्पू बनाकर बाढ़ के पानी में भगोने के साथ तैरने लगी। वो सुरक्षित जगह ढूंढने लगी। उधर जिस नाव में बिमला गई थी, थोड़ी ही दूर पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो पलट गई। जवान तो तैर कर निकल गए, पर बिमला डूब रही थी। तभी भगोने की मदद से तैरती हुई ममता वहां पहुंच गई। उसने बिमला को डूबते हुए देखा। वो तुरंत चिल्लाई, माँ जी, माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, माँ जी, मैं बचा लूंगी आपको। ममता तुरंत ही बिमला के पास पहुंची। पिंकी ने बिमला के दोनों हाथ पकड़ लिए और बिमला डूबने से बच गई। फिर ममता ने पूरी ताकत लगाई और सही संतुलन बनाते हुए भगोने को तैराने लगी। बिमला का मुंह पानी से बाहर था, इसलिए अब वो सांस ले पा रही थी। तभी ममता ने पिंकी से कहा, पिंकी शाबाश बेटा, दादी को ऐसे ही पकड़े रहना बेटा। पिंकी ने ऐसा ही किया। जल्दी ही ममता अपनी सास और बच्चों के साथ बस्ती से बाहर आ गई। उसे सुरक्षा दल का एक कैंप दिखाई देने लगा। सुरक्षा दल ने जैसे ही उसे देखा, कुछ जवान तुरंत उसके पास पहुंचे और सभी को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया। वहां डॉक्टरों की टीम पहले से ही मौजूद थी। उन्होंने सबकी जांच की, सभी लोग सुरक्षित थे। अब बिमला को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। वो हाथ जोड़कर रोते हुए ममता से बोली, ममता, मैंने हमेशा तुझे कोसा, अपनी पोतियों को भी कभी नहीं अपनाया। तुझे और बच्चियों को मरने के लिए छोड़ दिया मैंने, और फिर भी मुझे तूने बचाया। क्यों बचाया बेटा, मर जाने देती मुझे, मुझे जीने का कोई हक नहीं। बिमला फूट फूट कर रोने लगती है। ममता उसे गले लगाकर सहारा देती है। भले ही बारिश ने ममता का घर और ढाबा बर्बाद कर दिया था, लेकिन ममता की जिंदगी का ये नया मोड़ था। बिमला अब उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। अपनी दोनों पोतियों को भी उसने दिल से अपना लिया था। बाढ़ के हालात सुधरने तक सभी लोग उस कैंप में ही रहे। सब कुछ ठीक होने के बाद ममता ने फिर से अपना ढाबा खोला। अब बिमला भी उसकी पूरी मदद करती थी। कुछ ही महीनों बाद ममता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बिमला ने अपने पोते को गोद में लेकर चूमा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो ममता को देखकर बोली, ममता देख तो, मेरा रमेश वापस आ गया मेरे पास।